वेलकम 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 दोस्तों, एक मिनट भी लेट नहीं है हम आज। और तुमने लेट ओपी कर दिया है। तुम लोग को शर्म नहीं है जनता? तुम यू आर अनग्रेटफुल पीसेस ऑफ शिट, यू हैव नो सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस कि बंदा तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता है, लेट ओपी स्पैम कर देते तुम सालो। बट एनी वे, वी हैव अमंगस्ट अस टुडे सागर शाह गाइस, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सागर शाह, सपन वर्मा एंड वैभव सेठिया। सपन वर्मा जो अभी एकदम नए खिलाड़ी है चेस के, और वैभव सेठिया तो आप जानते ही हैं, चैट लव्स वैभव सेठिया। तो आजा आजा सीजन 2 चल रहा है उसका। क्या अभी तक लेट हो गया चल रहा है? ओ अभी तक लेट नहीं, आई हैव सीन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स चैट्स में हमेशा ये रहता है, आधा टाइम वैभव किक वैभव, आधा टाइम वैभव ओपी, वो आपस में भिड़ रहे हैं एंड आई हैव नो आइडिया व्हेदर पीपल लाइक मी और हेट मी। अरे वी विल लव यू दोस्तों, एक बार वैभव सेठिया ओपी इन द चैट दोस्तों। आज हमारे साथ एक मेहमान है, सपन वर्मा जी। जी 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 जी, क्या होता है सर? जी जी मतलब जी हाँ। अच्छा जी हाँ, ओके। एंड सागर शाह दोस्तों, आप जो जनता है आपको तो पता ही होगा, अगर आप चेस फैंस हैं यू मस्ट नो सागर शाह। ही इज सागर शाह को इतना चेस पसंद है ना यार, क्या बताओ। सागर शाह ने शादी में चेस खेला है दोस्तों। आई एम नॉट इवन, कुछ तो किया था ना, टूर्नामेंट किया था ना शादी में। हाँ मतलब सबको जोक लगता है लेकिन एक्चुअली सच में मेरी वाइफ जो है वो भी चेस प्लेयर है, तो हमने सोचा कि पूरा बैकग्राउंड ऐसे चेस पीसेस रखेंगे। चेस प्लेयर्स आए थे, जैसे विदित आया था और भी प्लेयर्स आए थे, तो एक टीम में 5 प्लेयर थे, दूसरे टीम में 5 प्लेयर थे। भाई शादी कब हुई फिर? व्हाट यू गाइस प्लेड देन? देयर वाज लाइक गेम्स एंड ऑल, एंड स्कोर वाज लाइक टाइड एट 2-2 एंड आई थिंक लास्ट गेम चल रहा था एंड अमृता जो मेरी वाइफ है उसके टीम मेंबर जीत गया। So after the game, I got the comment ki this is the closest I will come to beating my wife in anything. So. I think after the wedding, you did not go back home. You castled. Sagar Shah is the only husband who can beat his wife. Sagar Shah, man. Kitna fasde bhai. Phir matlab Sagar Shah. Kya so, बाजू के रूम में मेरी वाइफ सुन रही है ये। हेलो अमृता, हाउ आर यू? आई एम जस्ट वाचिंग दिस, वी आर जस्ट हैविंग फन। तो दिस गाय डूड सागर शाह, ही हैज दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड चेस बेस्ड इंडिया, व्हिच इज आई थिंक द बिगेस्ट चेस चैनल इन इंडिया, राइट? 300,000 सब्सक्राइबर्स अभी। यस। एंड बंदा क्या डेडिकेटेड, मतलब हाउ कितना चेस ही लव्स, ही हैज मैरिड हिज वाइफ प्योरली बिकॉज़ शी इज अ चेस प्लेयर, आई एम नॉट इवन किडिंग। उसने एक इसके ब्लॉग में लिखा है व्हाई, उसका पूरा अबाउट हिज मैरिज, तो उसमें बोलता है माय वाइफ इज अ ब्यूटीफुल चेस प्लेयर, शी इज अ काइंड पर्सन, यू नो शी इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द। मैं कहा ये सब लिखने से पहले तूने लिखा शी इज अ चेस प्लेयर, दैट इज मतलब हाउ डू यू लव चेस, लाइक व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू प्लेड चेस एंड व्हेन डिड यू फॉल इन लव विद चेस? एक्चुअली मैंने चेस काफी लेट शुरू किया, आई थिंक एट द एज ऑफ 11। आजकल तो 12 साल की उम्र में लोग लुक एट सपन स्पेस व्हेन ही सेड आज मैंने बहुत लेट चालू किया, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 11। मैंने बहुत लेट चालू किया है 31 इयर्स की एज में। ए बट 31 से पहले 11 पे तूने चेस खेल के छोड़ दिया था यार, मतलब वो छोड़ दिया, मतलब ऐसा विश्वास था, मतलब रिटायर नहीं किया। आई नो आई नो, स्कूल में थोड़ा बहुत खेला था। जयदीप चक्रवर्ती थैंक यू। अरे यार मैंने तो विशि के लिए भी इतना चीयर नहीं किया जितना सागर शाह के लिए किया, जयदीप ने सुमचा दिया सागर शाह, एक बार जयदीप को शाउट आउट दे दे सर आप। जयदीप बहुत ही अमेजिंग आदमी है वो, ही इज मेकिंग अ डिजिटल चेस बोर्ड, so wo idhar it's amazing, it's already made right, like I saw one which is there online, really expensive, so wo he's making yeah. a open source one very oh. so that everyone can afford it. Hey Insane. Look who yeah the current one is like what 18k or something. 30-35k. oh yeah. Joel, are you just wearing a t-shirt or is there a t-shirt put on top of your body? No it's me wearing a t-shirt. It just loose. It looks like you too much of my neck. Okay. So I just put it like this. It looks like you but just have X and you just put it on top just to cover it up. Lucky man. hello Joel D'Souza. As you guys must know, Joel D'Souza is a good chess player but very arrogant also. And I remember if you guys watched the tournament, you must remember how I destroyed Joel D'Souza. So, but that's not why we are here for. We are here for Sagar Shah. The summer talks like those things which you can't present in front of the jury. But he still says it. And then he's like, sorry.
सागर शाह दोस्त, आप आपसे मैं पूछ रहा था कि हाउ व्हेन वाज व्हेन डिड यू फॉल इन लव विद चेस, मतलब आपने शुरू तो 11 में किया, बट व्हेन वाज यू लाइक कि भाई अब यही करना है जिंदगी में? इट वाज नॉट लाइक लव एट फर्स्ट साइट, ऐसे धीरे-धीरे बिल्ड होते गया और फिर एक पॉइंट के बाद इतना प्यार ज्यादा हो गया, सो सब कुछ बाकी का छोड़ दिया एंड फुल टाइम चेस खेलने लगे। एक्चुअली वाइफ भी चेस है, कंपनी भी चेस में है, भी चेस है, सो फुल टाइम हम लोग का चेस एटमॉस्फेयर रहता है। सो इसके लिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि तुम लोग ने ये स्ट्रीमिंग शुरू किया, बिकॉज यू नो यू गाइज हैव बीन प्रमोटिंग चेस लाइक एनीथिंग, मतलब पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग चेस, जो छोड़ दिया था चेस खेलना वगैरह बचपन में खेलते थे, सब वापस खेलने लगे बिकॉज ऑफ योर स्ट्रीमिंग। लाइक सपन वर्मा अमृता जो इनकी वाइफ है, तो जो अमृता के जो भाई है वो भी एक चेस प्लेयर है, उनका नाम है प्रथमेश, प्रथमेश राइट। तो एक टूर्नामेंट था, दिस इज बिफोर शादी, दिस इज व्हेन, दिस इज दैट टाइम व्हेन सागर इज क्रशिंग हार्ड ऑन हिज टू बी वाइफ, ओके, उसका फुल उसको प्यार हो रहा है लेकिन उसको बोलने में गट्स नहीं है अभी, ठीक है, तो छुप छुप के प्यार कर रहा है। तो ही इज इन अ टूर्नामेंट, इट्स ही इज इन एन एंड गेम अगेंस्ट हिज टू बी वाइफ्स ब्रदर, ओके, अगेंस्ट हिज फ्यूचर ब्रदर इन लॉ, एंड द गेम इज सच दैट सागर के पास सिर्फ एक किंग है और उसके पास दो बिशप्स है और किंग तो है ही, and this is a lost end game, ठीक है, at this point anybody what they would do, they would resign, right, but Sagar Shah was like why I will just spend some more time with the brother in law, so he does not resign, he plays that game for another half an hour until पूरे hall के सब लोग का game हो जाता है, घर चले जाते हैं just so that he could go home with her brother and Amruta. What a creep. Nice. तब एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था मेरा अमृता के साथ, लेकिन बाद में जब हो गया तो ये स्टोरी ऐसे बैकवर्ड्स में अच्छी लगती है, अच्छी लगी। ओह हैकर आ गया भाई, हैकर आ गया। डिड यू मीट हर एट अ गेम? फर्स्ट टाइम यू मेट हर? उसने एवेंस गैम्बिट खेला और तेरे को प्यार हो गया? कैसे चेक करते रेटिंग, क्या करना पड़ता है? यू हैव टू प्ले ऑफिशियल फीड पर चेस डॉट सागर जोएल आपका फीड रेटिंग है? नहीं 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 मेरा फीड रेटिंग नहीं है, बट या नहीं दैट्स इट, देयर इज नो बट। Joel, Sagar, you were explaining how do people, because people don't know right now, and very honestly, we also just guessing. But is it that we play official FIDE tournament and you get a rating, or like how do we go about it? You have to play not online. You have to go to a playing hall, जहाँ पे सब chair table रहता है, board रहेगा, वहाँ पे बैठ के खेलना पड़ेगा, बात नहीं करना पड़ेगा. So it's not easy actually. Yeah, and it has to be a FIDE tournament, right? Like yeah, FIDE rated. It should be मतलब All India Chess Federation और सबके साथ affiliated रहेगा, and then if you beat someone there, तो आपको FIDE rating मिल सकता है। जो chess.com पे जो rating है, how close is that to the real rating? I think it's pretty close, right? नहीं, I think around 300 points inflated, 200, 300 points maybe. So if you have say around 1500, then your level could be around 1200 to 1300. बाप रे, हम तो फिर कितने घटिया player हैं भाई भाई भाई, भाई। हमारा उधर ही 1100 है। हमारा सबका मिला के 1200 है। जैसे हम लोग जब चेस साथ में खेलते हैं ना, जब बहुत लोग जो चेस प्लेयर्स है तब साथ में आते हैं, तो एवरी वन स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन आप लोग जब साथ में खेलते हो ना, तो एक जन ब्लंडर बोलता है तो
तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं ये गलत है, एंड फाइनली यू कम टू द राइट मूव कलेक्टिवली. इट इज अनबिलीवेबल, लाइक यूनिटी बहुत ही सही है. हम लोग फक अप कॉमेडी में करते हैं. जोक बोल वहां पे 25 जोक निकलेंगे. वहां पे हम घटिया जोक करते हैं, बट हम लोग वी डू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बेसिकली. हम लोग सबको इनहेरेंटली घटिया ही मूव आते हैं, तो हमें भरोसा होता है पूरा कि ये जो बोल रहा है घटिया ही है. लेट्स सी इफ इट हाउ इट इज रॉन्ग. ऑल्सो वी डिस्कस two options, E4 jana hai ki E3 jana hai. Like, that's not too much to discuss. Anand was also surprised, like after he played with you guys, I mean the second game, not with Abhish Matthew. Anand was surprised. He was surprised. Yeah. Wow, that's something. Did you speak to him after the match? Yeah, I asked him, and I, of course it was a great game. So unhone bola ki he was surprised by the good moves that all of you are making every time. Amazing. Oh, thank you. Arey, Biswa Hacker, welcome, 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 buddy. Hi. Hello, Sagar, how are you? Biswa, hi. I must confess, like, no disrespect to others, but Biswa is my favorite. ठीक है यार, चेस में ना. चलो फिर सागर, यहीं तक सागर थे हमारे साथ. Everybody else can leave meeting. Sagar, I must add favorite comedian, not chess player. Oh, thank you. Wow, that hurts even more now. Yes. Yeah. Why is everybody still here? Can you all leave? Biswa, आपकी आवाज बहुत कम आती है यार, generally. Generally, that's good. Better now? No, no. Any better? The voice is horrible only, but it's low volume. Okay. Sagar, can you hear me? Yes. But, okay. So I was just about to say basically I've been following your videos also for a long time. Joel, chup hai. Joel ko mute kar. I've been following your videos for a long time. I remember one video you had made, either you had gone running and you're explaining one of Anand's matches from memory. Ah, correct. Trekking. Yeah, and I was very impressed by that video. That was chess plus jogging, so I'd call it jogging. Yeah. Okay. That's why you should just do this chess thing. So today, Sagar has puzzles for us, I guess. Like, yeah, Sagar has made amazing puzzles. And Sagar, congratulations once more. 300,000 subscribers, man, is a big thing. I just want to ask you, you love chess so much. Like, do you dream chess? You play so much. Doesn't it get boring after a point for you? Ki you have seen every position multiple times. So, मेरे को बस ये जानना है, audience को बताना है कि chess में कितना कितने सारे possibilities है that even after so many years of playing, you always end up seeing beautiful new positions. Yeah, completely. मतलब I think Kasparov ने ये बोला था कि it is difficult to master chess in a lifetime, but that is not a problem of chess, but of life. ऐसे. So, oh, you know, wow. It is wow. Not easy to... मेरे को लग रहा है ये जाकिर भाई ने बोला था. इतना सारा possibilities है कि it is great fun. I mean, chess, I think, cannot be covered at all. And I guess you guys are also understanding it is growing on you. Every time आप लोग कर रहे हो, I think you're getting more and more interested, right? Yeah, totally. One person has asked, 4Y there has asked, Sagar, how do you go about contacting big names for game like Vishy's 50th? Guys, I don't think you know who Sagar Shah is. Please follow ChessBiz India. He's one of the biggest YouTubers in India. So I think that's the answer to that question. Sandeep Khabra, thank you. So let's begin, Sagar Shah. If you, I just like to comment, if you want to play chess, with the biggest names, start playing chess or doing comedy. There are two parts. Sagar Shah, is it true ki mereko ek banda aapka dost ne abhi message kiya hai ki Sagar Shah ko ek bar bolo hum usko Sada Dosa kyun bulate hain? Kaun hai ye? Ek dost hai aapka, mereko wo naam nahi reveal kar sakta main. Sagar ko log Sada Dosa bulate hain. Why is that so? Mujhe hi batana padega yaar, usne nahi bataya. बहुत ही मतलब मैं छोटा था तभी बहुत सिंपल था और सब लोग बोलते थे कि मुझे मिलके कुछ मजा नहीं आता है, सादा खाने जैसा फीलिंग है, मतलब इतना मसाला. ऐसा नहीं है, यू आर वेरी फन, बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ. देन यू स्टार्टेड प्लेइंग चेस.
So we'll just begin this session now. Sagar Shah, everyone is ready. Sagar has amazing 20 puzzles for us. He has 20 puzzles in the increasing order of difficulty. We'll see how many we can play. And bahut maza aane wala hai. So Sagar Shah, let's begin. Can you please do a screen share so yeah. we can see your chessboard? Okay, so I'm going to share the screen. Can you see it? Take a second. Now yeah. just give me a moment before I'll have to set some things up. Tab tak aap log baatein karein. Kuch aapko puchna ho, dosto, Sagar Shah se mere dost, aap puchein. Chess kaise khelte? Sapan, you have to try this one because this will be the easiest and then it will keep getting difficult. Oh, turn my butt open in the chat. The fifth hour of play or fourth hour mein down jata hai because thak jate ho. It is like writing an exam for maybe 3-4 hours. So, thakne ko. Very similar for professional gamblers also. Okay, dosto, we are ready. We are set. And just a last minute tweaks. Kitna complicated cheez hai bhai stream. Yes. Can you see the screen? Okay. Sab log ek bar apne hi kuch bol de. Sagar Shah, let's begin with you. Do a sound check, please. Hello. Can you hear me? Behtareen. Vaibhav Sethia. Hello. Behtareen. Sapan Verma. Anji, namaste. Behtareen. Joel D'Souza, aap chup rahe. Biswa Kalyanrat. Hello. Badhiya. To isi ke saath, dosto, hum shuru karte hain ye round. Sagar Shah, take it away. Theek hai. So, first position aapke screen pe hai. This is very famous game. Do world champions ke beech mein tha 1966 mein. Petrosian Spassky. Aur idhar white to move hai. So aap white se kya move karoge? And all of these positions which I have collected are like beautiful moves. So aisa nahi hai ki kuch normal chal raha hai. Kuch ekdam alag hi chal raha hai. Queen to h8. Hame white se move karna hai na? Queen to h8 or fir fork hai na? Amazing. Queen to h8, capture with your knight, the rook, then your king and queen will be fork. Nice. Too good. Oh, too nice. Good. That's a. मैं तो जितने time में समझा मैंने आपने solve कर दिया. Very good. जब तुम लोग small talk कर रहा था ना तभी मैं fail रहा था ये puzzle को. Chat बताओ सबसे यार है? कोई बात ही नहीं कर रहे थे तुम. So basically you already cracked it. बात कर रहे थे तुम. Exactly. Topper technique. ठीक है. So this was the first one. This was the easiest one, right? So, after this, Sagar, who is your favorite chess player amongst us? Just want to check right now. दोस्तों मुझे IIT coaching class की याद आ रही है फिर से कि बाकी लोगों ने pass कर लिया और मुझे सवाल ही समझ नहीं आया. ये फिगर आउट करो कि किसको बुला रहे हो. मेरे को तो सारे पीसेस ग्रे दिख रहे हैं भैया. But I think Abhishek is a good player. Yeah. Upmanyu is one of the. Akash Mehta is the strongest player, I guess. Uske baad Upmanyu hai. Have you seen Akash Mehta's games? Yes. I saw him giving a tough fight to Nihal, which is like unbelievable because. Nihal ko fight dena matlab it's tremendous. हाँ कल हमने भी दिया actually fight उसको. हाँ. But कल वो आठ मूव को मतलब he was letting you guys play ना ऐसा मतलब seriously नहीं. पहला आठ मूव वो बताया हमको फिर हमने तीन मूव चले तीनों mistake. Audio का कुछ scene आ रहा है दोस्तों. तो दोस्तों when do one thing when you have to speak na, tab tak aap unmute kar de jiska bhi issue aa raha hai. I guess it's from Joel's end. Joel, ek bar aap unmute karke dekhe. Aap kuch aap bole. Ha, sahi hai, sab sahi hai. Sagar Shah. Hello. Ha, ekdam perfect. Aapki awaaz ekdam. Aap unmute karenge to kya hi hoga fir hamare sath. Dosto, everything is correct. Justice for Joel. All right. One guy asking Sagar Shah, bye. Samay, after the stream, please check out Alexandra Botez from Botez Life. Botez, who's Alexandra Botez, bro? Alexander Botez is like one of the top streamers in chess. US ki hai. To usko aap bulao idhar. Aisa lagta hai. Alright, theek hai. So first position was the simplest one. Let's go ahead with the second position, dosto. Everyone can unmute whenever you have to say something. So let's begin.
सेकेंड वन इज वाइट है मिकेनास करके एक प्लेयर है और ब्लैक है ब्रॉन्स्टीन और ब्रॉन्स्टीन के बारे में कहते थे कि वो एक मैजिशियन है बोर्ड पे यू नो मतलब वर्ल्ड चैंपियन बनते रह गया वो बहुत ही क्लोज था सो ये पोजीशन ब्लैक टू मूव मैं फ्लिप कर दूं क्या आप लोगों को ये ज्यादा ठीक लगेगा सुपर चैट यू कैन आल्सो गेस बाय सेंडिंग अ सुपर चैट जो भी आंसर करेगा हम लोग सब उसको शाउट आउट देंगे इफ यू फाइंड द करेक्ट आंसर even sufficient like e1 and then capture again with rook and then that's it ha this is a good this would be the natural move but isme galat kya ho raha hai aapka okay queen black e1. to move ha jaise vaibhav ne kaha ye check dena hai if you take then rook takes or mate hai kyunki queen beech mein aayega to maar dega aur mate ho jayega but isme problem hai koi isme ye khelne ke baad ek problem hai theek hai hum figure out karte hain ये खेलने के बाद शायद क्वीन सामने ले जाएगा हां परफेक्ट किंग के सामने चले जाएगा क्वीन एफ1 हां तो ये ओ ओप्स ये चेक उसको ये मूव एंड देन सब हां फिर नहीं हो पाएगा चेक ठीक है लेट्स फिगर आउट अनदर मूव देन दोस्तों सुपर चैट प्लीज गेस ऑन सुपर चैट नॉट ऑन रेगुलर चैट बिकॉज रेगुलर चैट पे बहुत कुछ आएगा जो भी कर सकते हैं आप सुपर चैट पे करें बाय लोग पूरा लाइन एंड वेरिएशन नहीं बोलोगे सागर बहुत मारेगा जयदीप ठीक है हम पूरा लाइन बोलेंगे भाई ये सेकंड क्वेश्चन है और इतना डिफिकल्ट हो गया भाई क्या बताऊं ये वाला मतलब हां थोड़ा डिफिकल्ट है पर आप देख सकते हो कि बैक रैंक प्रॉब्लम है जैसे ये किंग है वो लॉक हो गया इधर दो पॉन के वजह से तो आपको ये तो करना है लेकिन अभी नहीं चल रहा है तो थोड़ा फोर्सिंग शिवम के हैज सेड क्वीन टू b2 लेकिन फिर ये रुक मार देगा क्या हो गया शिवम के आपने 40 रुपए बर्बाद कर दिए इसमें मारा एक sorry mara to ye aayega queen to is it bishop to f5 ha bishop f5 is a normal looking move but queen wapas chala jayega agar aap bishop yahan kheloge to queen will move back and game goes on but usne bronstein ne aisa move kiya idhar कि वाइट रिजाइंड गाली दे दी क्या ब्रॉन्स्टीन ने ओ मैन रुक टू c8 दूसरा रुक हां ये रुक c8 भी खेल सकते हो बट इफ यू ब्रिंग दिस रुक टू c8 यू हैव नो थ्रेट ओके व्हाट अबाउट रुक कैप्चर्स ऑन a3 रुक कैप्चर्स ऑन a3 बट इट लुक्स सेंसलेस मतलब ये मार रहे हो रुक से भी मार सकता हूँ क्वीन से भी मार सकता हूँ पॉन से भी मार सकता हूँ ओके सो इफ यू मूव द बिशप मूव द ओके इफ इट्स नॉट बिशप टू b5 या नो वैभव यू नीड टू टेल मी लाइक सो आई वाज एक्चुअली सेइंग इफ यू कैप्चर इफ यू टेक विद द पॉन देन आई एम गोना गिव यू अ चेक बाय कैप्चरिंग द रुक नॉनदलेस इफ यू टेक विद द रुक देन आई एम गोना गो विद द चेक लाइन जो कि पहले था बिकॉज़ नाउ इफ द क्वीन कम्स ऑन द वे वी कैन जस्ट कैप्चर एंड दैट्स चेकमेट एनीवे यस दैट आई थिंक इज द करेक्ट आंसर राइट This is like beauty in chess, yeah. Like एक piece को आप तीन जगह से मार सकते हो, लेकिन तीनों से मारोगे तो कुछ problem होगा. So if you take this way, ये mate हो गया, क्योंकि ये यहाँ से चला गया. Although I would not take very much credit for this because I think you moved it by mistake. You played the move by mistake, and the moment you move that rook, I noticed that there's a rook there, and then oh, very beautiful move. Shrey Garg, you are correct, and Giridhar Gupta also is correct. Mandar Bakshi is correct. You guys are amazing players of chess. You saw this move. क्या beautiful move है ना ये? कि अगर rook से मारेगा, अगर वो queen से मारेगा तो सीधे checkmate है. Pawn से मारेगा तो rook मार के checkmate है, और rook से मारेगा तो सीधे checkmate है. ये actual में उसने खेला, मतलब this is a real position from a real game. Yeah, this is 1965 में हुआ था. Bye. सपन वर्मा कभी ड्रीम में भी आता था क्या ये पोजीशन भाई अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं तो भाई रुक सीधे चलता है सीधे रुक हां ये समझ में आ गया
हाथी एलिफेंट हाथी बोलने का हाथी ऊंट घोड़ा बढ़िया पोजीशन दिस वाज अ ग्रेट पोजीशन लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन ये पोजीशन के लिए आई विल रिमेंबर ब्रॉन्स्टेन का ब्रिलियंस एंड वैभव का ट्रूथफुलनेस ओके नाउ द स्टोरी बिहाइंड दिस पोजीशन इज दैट ब्लैक यहाँ पे मार्शल नाम था ब्लैक का उसने ऐसा मूव किया कि द स्पेक्टेटर्स थ्रू गोल्ड कॉइंस दिस इज अ वेरी फेमस गेम एक्चुअली गोल्ड कॉइन गेम्स बोलते हैं ये पोजीशन में ऐसा मूव किया उसने कि लोगों ने बोला कि वाह क्या मूव है खुश कर किस पे फेंका लेकिन गोल्ड कॉइन किस पे फेंका गोल्ड कॉइन किस पे फेंका उस पे खेलते खेलते फेंक दिया उस पे ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स ब्लैक टू मूव और व्हाइट टू मूव ब्लैक टू ब्लैक ये पॉन सब ए साइड जा रहे हैं मतलब ब्लैक नीचे है नीचे के साइड ओके दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन गाइस लेट्स सी इफ सुपर चैट गेसेस इट बिफोर अस वेबर बहुत स्वीट है यस वेबर ओपी प्लीज ब्लैक टू मूव एंड विन द गेम मतलब आप लोग जब ऐसा पोजीशन देखते हो तो कैसे सोचने को कैसे लगते हो मतलब व्हाट डू यू थिंक मैं तो हर चीज सोचता हूं चेक किधर से लगेगा वेरी गुड मैं पजल्स में सोचता हूं कि हर बार कोई तो बड़ा सैक्रिफाइस ही है हां करेक्ट आज तो वैसा ही थीम है सो आज तो यू शुड थिंक दैट लाइक मुझे अभी ऐसा लग रहा है जस्ट द वे पजल्स ऑपरेट आई फील द नाइट शुड गो ऑन f3 हां ठीक है भाई पूरा बोल नाइट f3 पे रुक मत जा आगे भी बोल हाँ फिर ये होएगा कुछ ओके पहले सोच ले फिर बोल दे भाई फिर मार दिया और फिर रिजाइन फिर गोल्ड कॉइन वेयर इज द गोल्ड कॉइन रुक टू व्हाट इज दैट टू रुक खाएगा वो पॉन ये यार h2 सॉरी f2 ये वाला मेरे को दूसरा वाला लग रहा था लेकिन नाइट फिर somehow the knight has to fork the queen and the king ah correct lekin aap ye dekho ki aap I know agar kuch bhi kiya na aisa time pass queen mar jayega main super chat pad raha hu par main bataunga nahi main last mein bataunga dosto super chat mein sab bahut hi strong players lag rahe hain par super chat pe bhi kai log alag alag likh rahe hain to let's see who wins this Is it, what is that, Sagar, what is that letter which the king is on? G, G. G. Does the rook come to G3? Rook G3. Maar diya to? Oh, fuck yeah. I thought the queen will take it, sorry. Then you can probably take the rook, right? No. You have got the square right. Queen comes to G3. कौन बोला मैं बोल रहा था क्वीन G3 एक सेकंड सागर एक सेकंड कैसे बोला विश्वा आपने चैट तो नहीं पढ़ा ना अबे कौन सा चैट मैं तो ये मैं साइकोलॉजी यूज कर रहा है कि कुछ तो सैक्रिफाइस होना है उसने G3 बोला उसने बोला करेक्ट स्क्वायर हाँ. और कौन सैक्रिफाइस हो सकता है उधर कौन आ सकता है उधर हाँ, जी थ्री और कोई नहीं आ सकता पॉइंट है बट क्या है लाइन बताइए जी थ्री क्वीन जी थ्री बस उतना आता है बाकी लोग कंट्रीब्यूट करो यार पांच लोग इधर मेरे को पता है क्वीन जी थ्री का कि इतना हल्ला हो रहा है मतलब यही सही मूव है क्वीन जी थ्री फिर वो पॉन से मारेगा अगर एफ वाले पॉन से अभी कैसे ओ फिर नाइट से चेक लगेगा ई टू पे अरे बढ़िया बढ़िया ये बढ़िया है वाह 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 ओहो तो लेट्स सी हु ऑल गॉट इट हमेशा हमेशा सारे पॉसिबिलिटीज को देखना है सो ये मारा तो ओ ये मारा तो ये तो वो तो चेक पे खत्म है चेक दे वो तो चेक पे खत्म है चेक और ये कर जगह चला गया सो ये बेहतरीन पोजीशन दोस्तों ध्रुव गांधी ये मारा ओ ऐसे भी मार सकता है तो चेक मारेगा और किंग मूव करेगा तो क्वीन ले लेगा तो विनिंग पोजीशन है अभी अभी ये मारा तो इधर मेट है
ओ भाई 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 भाई, बहुत इंटेंस, ब्यूटीफुल क्या ब्यूटीफुल है ये। गाइस सारे मैच में क्वीन सैक्रिफाइस होना है, ठीक है, सारे पजल में। तो अगले वाले में देखो क्वीन किधर किधर सैक्रिफाइस हो सकता है। तो देख, एक शाउट आउट टू ऑल पीपल हु गॉट इट राइट। सौरभ बांदोपाध्याय जी अमेजिंग, मंदार बख्शी जी अमेजिंग, लेकिन आपने पूरा लाइन नहीं बोला। डोंट जस्ट राइट क्वीन सी3, राइट द एंटायर लाइन। गिरिधर गुप्ता अनफॉर्चुनेटली is wrong, I guess, and Saurav Sonavne and Kumar Ashish ji ko shout out, amazing work done. Rahul Gandhi ko, Rahul Gandhi kaun aa gaya hai bhai? Super chat wale google kar rahe hain, asli genius tum ho. Are google mat karo dosto, please don't google, thank you. But gold coin wala position kafi acha tha. Ha, kitna beautiful tha, matlab wo move khelte hi I would have done a super chat right there. I would have thrown gold coins. Only problem is वो 108 years ago खेला गया था 1912 में। अरे हाँ, मैं वही सोचता था लोग gold coin लेके क्यों घूम रहे हैं चेस मैच में। दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन, let's go with the next puzzle. तो ये next puzzle है ना, इसमें white player है Nimzovic, ठीक है? किसी ने Nimzovic के बारे में सुना? Nimzovic defense. हाँ correct. तो जैसे क्या बोलते, फादर ऑफ चेस बोलते थे उसको, बिकॉज ही फॉर्म्ड सम मॉडर्न प्रिंसिपल्स चेस में। सो वो वाइट है ये पोजीशन में, एंड ही फाउंड अ ग्रेट मूव ये पोजीशन में, वाइट टू प्ले, वाइट टू प्ले। चैट लेट्स गो। ओके, इट्स क्वीन टू जी3। भाई सोच ले, दिमाग में सोच ले, फिर बोल दे भाई। अगर आप क्वीन जी3 खेलोगे तो इधर मेट है बराबर, मैं ये पॉन को आगे पुश करूंगा। I think he captures it with the bishop. That pawn is captured by the bishop. Then you check with the rook. If he captures back, then you check with the rook, and then the queen goes to what is this? A B C D E F F 3 F 6 and then checks the king to a mate. If he captures though, if he does not capture, then I did not consider. Okay, sorry. Exactly. This is one of the main things. अगर ये मारेगा और king takes मारता है तो आपका variation correct है, क्योंकि check and then king इधर गया या इधर गया, queen अंदर घुस के mate कर देगा। अगर ना, अगर नहीं मारा तो नहीं है। नहीं मारा, समझो आपने इसको मारा और मैं नहीं मार के समझो pawn push करता हूँ। हाँ तो नहीं है फिर checkmate। फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सुपर चैट मैं आपका अभी पढ़ूंगा नहीं, मैं फटा मैं ये हम लोग पहले सॉल्व करेंगे फिर मैं पढ़ूंगा, बिकॉज अदरवाइज मेरे लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को भी सॉल्व करना है, मेरे को भी मजा करना है। दोस्तों आप सुपर चैट भेजो, मैं आपका देखूंगा इसके बाद, आफ्टर वी सॉल्व इट, एंड विल गिव शाउट आउट टू हूएवर गॉट इट राइट। वाइट टू विन, इसमें क्या फेंका था, कुछ ब्रॉन्ज सिल्वर कुछ तो फेंक, कुछ ऐसा हिंट देना। विश्वा का थीम राइट है, उसने जो लास्ट टाइम बोला था क्वीन, मैं बोल रहा हूँ क्वीन से पॉन खा लो यार, सामने वाला F7, उसके आगे में कौन बोला। किधर भी क्वीन नहीं सैक्रिफाइस कर सकते, ठीक जगह पे है। सपन आपको क्या लग रहा है? मेरे को कुछ नहीं लग रहा है। मेरे को महसूस होने ही बंद कर दिया है। कोई एक मूव तो आप बता सकते, ऐसे ही मतलब रॉन्ग रहेगा तो भी चलेगा, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। तू ना इसके बाद जो इससे भी और लोअर बिगिनर्स क्लास होता है क्या, तो उसमें आऊंगा। गाइस गाइस, व्हाट अबाउट क्वीन टू F6? क्वीन टू F6 अगर वो लिया तो टेक विद द बिशप, नेक्स्ट मूव विल बी चेकमेट, रुक लाएगा सामने तो, पर वो लेगा ही नहीं ना। ओ अगर वो नहीं, हां नाइस नाइस नाइस, क्या बोलते हो? Done. मेरे को तो सही लग रहा है। अगर लिया तो चेक एंड देन गया। हाँ। साइड गया तो। ओहो। इस इसे करेक्ट आंसर सागर। परफेक्ट परफेक्ट। आये परफेक्ट परफेक्ट। अरे 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 अरे। Let's see what is the line bro? तो क्वीन F6 को मारा तो मेट है ऐसे। हाँ। नहीं मारा तो इसको बचा ही नहीं सकते समाओ। बचा ही नहीं सकते तो किसको कल? डॉक्टर सिमिलन महाजन को शाउट आउट, जयदीप चक्रवर्ती, यू आर एन अमेजिंग प्लेयर ऑफ चेस, सौरभ बांदोपाध्याय अगेन यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर नॉट चीटिंग एट होम, शैंक्स शाउट आउट टू यू बड़ी, यू ये चारों लोगों को मिला। और एक बंदा लिख रहा है, संदीप चौहान लिख रहा है, माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रुप प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक सपन वर्मा कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस।
मेरे लिए ये गेम नहीं है, मेरे लिए आज एजुकेशनल लेक्चर है. बहुत बढ़िया पोजीशन ये भी, मजेदार. अरे भाई भाई, भाई, भाई. ये थोड़ा क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉइन पोजीशन जैसा ही रिवीजन है थोड़ा. व्हाइट टू मूव ना. The thing is white to move and mate in four. क्योंकि white जीत रहा है ये position में, white can have 100 ways to win. पर उसको चार move में mate करना है opponent को. Okay. मेरे को पता नहीं क्यों knight takes on g7 ऐसे दिमाग में आ रहा है. I'm just thinking. ये आप मारोगे लेकिन आपका threat कोई नहीं है. Like you are not threatening anything. So always look for forcing moves. Knight g6 check. Okay. Knight g6 check for beginning. ये मारा था. If pawn captures, then resign. क्या बोलता है? पहला move correct है क्या सागर? ऐसा नहीं पूछ सकता. नहीं पूछ सकते. हाँ, okay, वो तो हाँ, मतलब नहीं, पहला मूव दूसरा. बट यू आर क्लोज. लाइक मैंने मार दिया लेकिन उसके बाद आपके पास ज्यादा कुछ NG6 आपका मूव है वो सही, मतलब विनिंग है, पर मेट इन 4 नहीं होता है उसमें. नाइट H6. नाइट H6. इफ पॉन कैप्चर्स देन इट डजंट कैप्चर, इट डोंट कैप्चर. मैं नहीं मारूंगा, मैं इसको मारूंगा बिशप इनटू C4. भाई क्वीन सैक्रिफाइस किधर होता है देखो ना, चुपचाप क्या देखो. क्वीन कैप्चर्स एट B8. ये कहा ना बात. ये श्योर शॉट है. नाइट गोज टू क्वीन F6. नाइट F6 आई थिंक. सो वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द बिशप विल कैप्चर द पॉन. नाउ इफ द रूक कैप्चर्स देन वी कैन गो नाइट H6 एंड देन दैट थ्रेटन्स अ फोर्क ऑफ द क्वीन एंड द किंग. बट फिर मैं ये मार दिया तो ये मेरा क्वीन हिला नहीं है ना अभी तक. ये मार रहे हो पहले, मैंने इसको मारा फिर आप इधर गए तो मैं इसको मारता हूँ. क्वीन टू G6 अगर लिया, ही हैज टू कैप्चर विद द एच पॉन एंड नो ही डजंट हैव, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट. अभी लेकिन वो एनीथिंग नहीं कर सकता है क्योंकि दो ही पॉन से ले सकता है. हाँ, दो ही पॉन से ले सकता है. तो अगर H6 से लिया तो हम तो रुक से चेकमेट. रुक तो चेकमेट है ही, बट वो नहीं लेगा ना, वो दूसरे वाले लेगा. अगर लेफ्ट वाले से लिया तो रिजाइन. तो किसी नो टेक विद द अदर नाइट एंड देन चेकमेट. हाँ, वो लेगा. ओ फिर चेकमेट. नहीं बट हुआ कहां अभी भी. नाउ द ओ हां रुक से. ओ हां क्वीन आएगी बीच में और चेकमेट. राइट, फैंटास्टिक. बढ़िया. क्या है थोड़ा आया इस बार. गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ बिस्वा. क्वीन हैज टू बी इन्वॉल्वड. क्वीन भाई चेक और मेट होगा नेक्स्ट मूव पे. हां, धीरे-धीरे चमक रहा है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द मूव, सो दैट आई कैन गिव शाउट आउट. Queen G6 is the correct move. Queen G6. Queen G6 किसने लिखा? Shanks ने लिखा है. Queen G6. Shanks, thank you for and you're an amazing player. दोस्त, एक और बंदे ने लिखा है. जयदीप ने लिखा है Queen F6. हाँ, but Queen F6 को मार दिया ये. Queen F6, GX F6, RH3, Rook H3. ठीक है. But threat कुछ नहीं हुआ इससे. दोस्त, आपने जयदीप चक्रवर्ती आपने हक दिया है. Okay, amazing. Let's go ahead. अभी क्वीन सैक्रिफाइस बहुत हो गया है. लाइक अभी थोड़ा और टफ
पे जाते हैं, मतलब थोड़ा किंग सैक्रिफाइस किंग ये पोजीशन है ना दो दो टॉप प्लेयर्स के बीच में हुआ था, ब्लैक का आपको सोचना है, सो व्हाइट इज टोपालो, आपने टोपालो का नाम शायद हाँ. सुना रहेगा क्योंकि वो आनंद के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था 2010 में, और ब्लैक है शिरोव, शिरोव जो मतलब बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. सो यहाँ पे मतलब ब्रिलियंसी का कुछ चांस ही नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि ब्लैक के पास दो एक्स्ट्रा पॉन है, व्हाइट के पास दो ही पॉन है, पर ये एक ऐसा ऑपोजिट कलर बिशप होने के कारण ड्रॉ होने का चांस बहुत रहता है चेस में. सो व्हाइट को सिर्फ किंग को इधर लेके आने का, तो इट इज ब्लैक टू प्ले एंड विन. हाँ, ब्लैक ने कुछ तो इधर बहुत ही बढ़िया मूव किया. जिससे वो जीत गया, मतलब ऐसा मुंह किया ना कि ऐसा मुंह गिर जाएगा, ऐसा है. बाप रे, मुंह गिरना गोल्ड कॉइन फेंकने के ऊपर है कि नीचे? इन 1998 मुंह गिरना इक्वल टू 1912 में गोल्ड फेंकना. अरे यार बराबरी का बिस्सा, इसमें क्वीन ही सैक्रिफाइस करेंगे लेकिन क्या करेगा इसमें कोई. प्रमोट क्वीन देन सैक्रिफाइस गाइस. मेरे को वही सही लग रहा है. क्या नहीं, बिशप सैक्रिफाइस होएगा इसमें. देखो बिशप किधर किधर मर रहा है. बिशप h3 पे तो मर ही रहा है लेकिन बिशप फायदा नहीं हो रहा है. अगर चलो आपको मैं राइट मूव बताया तो क्यों राइट है वो बताने का जरूरत है. करेक्ट. ठीक है. नहीं अभी नहीं, हम लोग को एक मिनट दे दो, एक दो मिनट दे दो. ठीक है सोचो. हम लोग बहुत सारे गंदे मूव चल सकते हैं, अभी तो चले भी नहीं है. मतलब let us destroy this game once before you solve it. आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है कि ये जो बिशप है ना वो ये पॉन को पकड़ के रखा है उसने, इधर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और ये पॉन इधर तक तो पहुंचेगा लेकिन ये उसको स्टॉप करके रखेगा. सो ये बिशप और ये बिशप कभी एक दूसरे के सामने आ नहीं सकते क्योंकि दोनों ऑपोजिट कलर पे. सो इसके लिए आपको किंग को लेके आना पड़ेगा ये स्क्वायर पे कंट्रोल करने को. सो अगर आप ये मूव खेलते हो तो वो इधर आता है, फिर आप इधर जाओगे तो वो इधर आएगा. अभी फिर से पॉन पुश नहीं होगा क्योंकि किंग और बिशप दोनों कंट्रोल कर रहे हैं. सो ओवरऑल आप पूरा अटक जाओगे, मतलब ड्रॉ जैसा पोजिशन आ जाता. ऐसा मूव किया कि उसका ओपोनेंट एकदम शॉक हो गया. पूरा चेस वर्ल्ड, इट इज सपोज टू बी द मोस्ट ब्रिलियंट मूव, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मूव्स एवर प्लेड इन चेस, ये वाला. फिर तो सैक्रिफाइस ही रहेगा कोई. करेक्ट करेक्ट. सैक्रिफाइस तो एक ही जगह हो रहा है, बिशप h3 पे, पर उससे फिर क्या? नहीं, पॉन भी सैक्रिफाइस हो सकता है, पॉन d4. हां d4 भी सैक्रिफाइस हो सकता है, पर उससे फिर बिशप तो फिर भी वो डायगोनल कंट्रोल कर ही रहा है ना. नहीं नहीं, उसको बिशप मार दे. अगर बिशप मार देगा हम किंग लेके जाएंगे d5 पे, कुछ फायदा नहीं होगा किसी का. जॉ ड्रॉपिंग मूव किया दोस्तों उसने, दूसरा पॉन भी मर जाएगा. किंग e5 तो नहीं कर दिया जैसे उसने किया था विदित ने अभी नाकामुरा के खिलाफ? इलीगल मूव. हां इल्ले, उससे भी जॉ ड्रॉप हो जाता है. ब्लैक स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा तुमको. कोई सैक्रिफाइस है, दैट इज अ हिंट. और कितने मूव्स में सागर? वो पहला मूव अगर आप करते हो उसके बाद मतलब और दो तीन मूव लग, मतलब टू क्लैरिफाई द सिचुएशन और थोड़े मूव लगेंगे. बट ये पोजीशन का जो मॉरल है ना वो ऐसा है कि हमको लगता है चेस में मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ये बिशप, इसका तीन पॉइंट रहता है, पर इन रियलिटी टाइम, मतलब एक मूव इज आल्सो समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन मटेरियल. हम टाइम को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते.
So ye position mein he sacrificed the full bishop to just gain one move. Bishop h3, then that's the only way he can sacrifice the bishop, right? Amazing. You know, is that it? Is that the solution? फिर पॉन से मारेगा फिर लेकिन क्या F5 so the आएगा yes yes अभी king निकलेगा and king will reach faster but नहीं but इधर आएगा and इधर गया अभी उसका king इधर नहीं आ सकता है और ये पॉन आगे बढ़ेगा ऐसे और ये भी इधर तक जाएगा और फिर ये तीसरा पॉन भी क्लियर हो गया क्योंकि ये इधर आ गया so तीन पॉन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है एंड ब्लैक जीत गया ये गेम मतलब व्हाट इफ उसने नहीं मारा होता तो उसने नहीं मारा ना तो प्रॉब्लम ऐसा है कि समझो आप किंग को लेके आए इधर मैं किंग को लाया तो अभी आप आगे बढ़ोगे ना तो आपका ये पॉन फ्री में मर रहा सो फिर आप पॉन मर गया ये तो कभी नहीं सोच पाते हम आई गेस इवन इफ ही कैप्चर्स आफ्टर दैट इफ ही लाइक यू नो ही कैप्चर्स द पॉन एंड देन द किंग आल्सो कैप्चर्स देन आल्सो द किंग कांट रीच दैट स्क्वायर टू सेव द व्हाटएवर फोर मूव सौरभ बांदोपाध्याय एक बार सब लोग सौरभ बांदोपाध्याय को शाउट आउट दीजिए ही हैज बीन प्लेइंग सो वेल ही हैज बीन सॉल्विंग एवरीथिंग बिफोर अस नाइस सौरभ वेल डन सौरभ विनायक सौरभ गाइस मैं बता रहा है बस सोचो किधर कौन मर सकता है दो दो सेकंड में सॉल्व होएगा अभी मैं बोल दिया था एच थ्री मेरे को नहीं पता था कैसे पर मैं उधर करता ना गोल्ड कॉइन अच्छा आप लोग सब लोग अगेड मैटर के फैंस हो ना बहुत बड़े yes. तो उसने ये गेम उसका फेवरेट है ठीक है तो ये वाला पोजिशन में ब्लैक ने खेला बिशप इधर ये व्हाइट प्लेयर है नेज़मेट दिनो और ब्लैक है चर्निको तो अभी ये बिशप यहाँ पे लाके वो बिशप क्वीन को अटैक कर रहा है तो व्हाइट टू प्ले एंड विन ऑब्वियस आंसर इज क्वीन टू h7 बट आई डोंट नो व्हाई आई विल फिगर आउट होल्ड ऑन आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव अ फीलिंग आई रिमेंबर आई मेड अ कमेंट्री ऑन द गेम आल्सो दैट द अदर प्लेयर वेंट अवे एंड नज़मेदोव वाज सिटिंग एंड ही कैप्चर्ड द बिशप एंड देन समवन कॉल्ड द अदर प्लेयर बैक टेलिंग हिम अरे ही कैप्चर्ड द क्वीन एंड आई वाज लाइक व्हाट एंड देन दे केम बैक एंड कंटिन्यूड द गेम आई हैव नो मेमोरी ऑफ हाउ द गेम प्रोसीड्स बट आई रिमेंबर दिस बिट यू रिमेंबर दैट क्वीन कैप्चर्स बिशप दिस इज गुड इनफ टू गेट द आंसर या I remember that. All right, let's go with queen captures bishop first, if that's the first move. Perfect. Takes. और अगर ये मारा तो ये. And दो पीस मिलते हैं, पर फिर knight यहाँ पे jump मार. Knight jump मार के and then yeah. And then ये weak हो जाएगा. And. बाप रे. हाँ, so knight वहाँ उसको मार देगा और check लगेगा. फिर king को हिलना पड़ेगा और फिर discovery check लगते जाएगा. मतलब इवन इफ कुछ भी नहीं हुआ ना तो भी ये सब पीसेस इतने बढ़िया है कि इट इज बिग एडवांटेज लाइक रुक को लेके आओगे ये रुक को भी लेके आओगे सो इट इज अ ग्रेट पोजीशन ओके ब्यूटीफुल नो वन गेस्ड इट गाइस वी गेस्ड इट बिफोर एनीवन गेस्ड इट एंड राइट नाउ टू हेल्प अस इवन मोर वी हैव विद अस टुडे एक सेकंड विदित आ गया क्या विदित नहीं आया भाई अनिर्बन दास गुप्ता आ गया क्या केमोन आप सुना था नहीं अनिर्बन दास गुप्ता कोई पीस के बारे में बोलेगा ना तो बोलता है चल से ना चल बेना क्या छोड़ गया वो जोक पुराना हो गया अभी सड़ेला हो गया वो जोक ओके 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 सो व्हाट्स द पासवर्ड हेलो हेलो अनिर्बन Hello. Have you been seeing this? It's a very fun round. We are defeating Sagar sir. I got three right. Hey, puzzles are damn nice. We white to move or black to move? हाँ, white to move. Okay. अभी ये वाला थोड़ा tough है क्योंकि इसमें normal चीज नहीं हो रहा है सब. इधर ना black के queen से दोनों king को fork कर सकते हैं. कैसे? नहीं नहीं वही इफ यू मूव इधर रख दिया या बोथ किंग्स आर फोक्ड
All right. So it is who to move? So, it's why to move? So this is white to move, but this is Garry Kasparov is white, one of the greatest players in the history of chess. And Veselin Topalov is black. And ye game bhi bahut badhiya game hai. So if you look closely, black ye marne wala hai next move pe queen ko. और उसका किंग ऑल द वे यहां से लेके यहां तक पहुंच गया चल के पूरा गेम में. बाप रे. अभी आपको देख ये क्वीन भी मर रहा है पर ये भी मर रहा है. ओके आई थिंक आई नो द सॉल्यूशन. हां बोलो. आई थिंक इट्स व्हाइट बिशप गिव्स अ चेक टू ब्लैक किंग. ऐसे या एंड अगर मैंने रुक ने मार दिया रुक से मार दिया तो रुक से चेक आएगा ऊपर चेक तो इधर फिर हाँ तो फिर यहाँ पे क्वीन चेक देगा क्वीन कहाँ चेक देगा नहीं 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 ये दिया तो क्वीन मार देगा फिर आप रुक डाउन हो जाओ. ओह फक फक सर सर आई वाज सो एक्साइटेड. If I see like sacrifice anything and I calculated one move ahead, I think I've got it. queen to c1 hai kya? Queen to c1 khela to queen se queen maar dega. Agar queen nahi rehta tha to mate tha. Who to move? White to move na? Haan, white to move. So white agar queen c1 khela idhar, to queen takes queen marega. White to move and okay. White to move. Okay, why can't white play queen to d2? Queen to d2. Mara bishop se queen mara to ye abhi end game white ko losing ho jayega. Haan, extra pawn hai na black ke paas. Got it. Super chat has not guessed it yet. Let's see if they can guess it before us. We still have some time, dosto. इसमें ये भी problem है कि अगर आप कुछ भी खेला जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वीन से ये रुक को मार दिया जो मर रहा है उधर तो इधर आप पे मेट हो जाएगा क्वीन चेक और मेट. आदर क्या ना एज पर हिंट वाइट रुक टू d7 हम बिशप से क्वीन लेंगे तो क्या प्रॉब्लम. एक सेकंड सपन वर्मा ने कुछ कह दिया है भाई. सपन वर्मा ने कुछ कह दिया है दोस्तों. रुक टू d7 I think someone has the answer. How did you think of it? Because if you move that, then the black rook will have to either move to kill it or it'll get killed. I know d7 is the answer for sure, like I was just about to unmute and say myself, because now the rook cannot move to kill the queen. Yeah. The queen has no checks because if you exchange the queens, then still you end up being benefited. Huh. And like basically there's no other move that the black can make right now. Abhi, what if rook captures? No, so rook captures to checkmate na uspe. Samne khali hai na fir. E7 pe checkmate. Ye nahi kar sakta hai. Kyunki ye nahi kar sakta. Ha. Nahi piche rook ko marega agar to. Agar rook ko mara usne to. So e2 pe checkmate hai. E2 pe. D2 pe. Queen hai. Par ab e2 ko mar de. Not d2. D2 पे नहीं है चेकमेट. नहीं है भाई क्वीन ना वहां पे. ओ हां D2 पे D2 पे क्वीन D2 पे मर जाएगा ना. मर जाएगा. सो इसको मारोगे फिर इसको मारोगे और ये बंदा मर जाएगा फिर क्वीन वर्सेस रुक विनिंग है. ओके रुक विनिंग. ओके वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू फाइंड अ मेट. या दोस्तों या प्लीज ओनली अनम्यूट व्हेन यू हैव टू से. अभी वापस से थोड़ा साउंड का इशू हो गया था बट एनीवे लेट्स सी हु गॉट इट राइट.
रुक डी सेवन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों. प्रसिद्ध अग्रवाल इज आई गेस प्रसिद्ध अग्रवाल G1MR you have said rook to d7 but you have to say the entire line that's why you get a super shout out but now I have to give you anyway so ab se ye rule hai pura line bolna hai dosto ek letter likh ke kuch nahi hoga. Deepanshu Rana shout out. Digvijay Maduli ji correct answer and Dr. Smilini Mahajan is the only one jisne pura line likha. Congratulations, you are an amazing chess player. Amazing. Samay, just want to ask today's ghoda respectable animal or not? No, today ghoda can be bhayankar ghoda. I have taken permission from Sagar Shah. Got it. Then I would just like to say that main apne aap ko mute maar raha hu. Abhi ye thoda tough hai kyunki isme aapko pehla move hi nahi dhoondna hai par aage ka aur ek to move dhoondna hai but white to move. Haan, white to move. Aur pehla move obvious ठीक है आपके पहला मूव थोड़ा ऑब्वियस हो सकता है लेकिन कंटिन्यू भी करना है अच्छे से इसमें. कैन यू रिपीट सागर शाह सॉरी क्या बोला आपने? वाइट टू मूव है ये पोजीशन 2005 में हुआ था मलेशिया में. नॉर्मल टूर्नामेंट था एंड दो ग्रैंड मास्टर्स खेल रहे एंड ये क्वीन इधर है तो ब्लैक ने लास्ट मूव उसका बिशप इधर रखा क्वीन को मारने को. सो अभी कोई भी नॉर्मल बंदा है वो सोचेगा कि क्वीन वापस किधर तो जाएगा क्योंकि क्वीन अटैक्ड है पर व्हाइट ने अच्छा कुछ तो किया. ओके डज व्हाइट टेक द बिशप? ओके ओके आई थिंक व्हाइट टेक द बिशप. आई हैव 2-3 मूव्स कैन यू प्लीज डू इट? ओके इफ यू टेक द बिशप आई विल टेक विद द किंग. ओके देन द नाइट गिव्स इट अ चेक. Knight to e6. How? Yes, knight to e6. Do check. No. Knight goes on the pawn, on the rook pawn, on the e file. F file, bhai. E file, na? Ah, e6. E6, yeah. मैं पॉन से मारा e6. Oh, okay, then you give a discovery check. Queen four. One second, Samay, this is my solution. Yes, I'm pointing to you only, it's totally to you. So knight check, फिर मैं king को वापस लेगा, फिर आप queen मारेंगे, बराबर? Yes. और मैं फिर मेरा rook मर रहा है, तो rook को ऊपर लेगा. अभी देखा जाएगा तो एक pawn ही extra मिला, सब मेहनत करके. खुश हो गया जोएल. दिस इज योर सॉल्यूशन. दिस इज योर शिट सॉल्यूशन. इट्स नॉट एक्चुअली आई टू इंप्रूव ऑन दिस. फॉर एग्जांपल आपने मारा इसको किंग से मारा. अभी मैं नाइट से मारेंगे तो मैं नाइट से मारूंगा इसको. अभी आप नाइट इधर लेके आओगे तो आई विल ब्लॉक द चेक फॉर द बिशप. और जब भी इसको मारोगे तो मैं ये नाइट इधर जो लेके आया था उससे मार दूंगा. आपका एक पीस कम हो जाएगा. Okay. Similar combinations, but we also push the A B C D E F F 5 beach mein so that we replace the but first, one of the two and then queen to h7. But queen to h7 knight se hi maar dega wo. Are yaar. जब भी आपको आइडियाज आता है ना तो समटाइम्स यू हैव टू जस्ट चेंज द मूव ऑर्डर. मतलब A1 2 3 सोच रहे आप तो उसको 1 2 किया ना तो इट वर्क्स. So you are taking here, then taking here, फिर आप ये मार रहे हो, फिर इसको मूव कर रहे हो. So try to think how you can make the moves in an order which will make it work. Can we go knight to D5. First move? First queen captures and then knight to D5 and first queen captures. Queen captures bishop. King captures queen. Knight to d5, threatening the queen. If pawn captures, then knight to e6, double checking the king. The king has to move. We pick up the queen. Okay.
Okay, but at the end you have done nothing special, yeah. Because the thing, you took a well, Tamay, how does it feel? What if... Because you took a bishop and you gave up your knight. Matlab, basically in the end it turned out like equal. So aapne isko mara, takes knight d5, pawn takes. Abhi aap knight down ho, matlab, it is, and then aapne knight e6 check diya, main king ko move kiya, aapne queen wapas le liya. So it is equal. Mere paas bhi do piece hai, aapke paas bhi do piece. Par humne kuch badhiya kiya na yaar. आपने पूरा मतलब you did something interesting. मजा तो आया, मजा आया ना भाई, तब तक सही है, that's the best move I think. मजा आया, मजा आया. रुक रुक रुक, what if we start with only knight to e6? Blunder. Knight e6 को मैं knight से मारूंगा. अरे यार सामने ही है, knight e6 पे तो आप पहले queen मारेंगे ना? नहीं, फिर मेरा queen मारेगा ना. अच्छा हाँ. But Samay, you are close. I am close. Very close. Okay. What was Samay's suggestion? Samay's suggestion was take knight d5, take her, and abhi usne knight ko e6 check diya. E6 check. अगर हम लोग e6 की जगह और चेक दें, किधर से? f5 ओके. अभी डबल चेक है, किंग को हिलना ही पड़ेगा. किंग g8 ओनली मूव. किंग g8 फॉलोड बाय नाइट h6 चेकमेट. यस यस, बढ़िया बढ़िया. धीरे धीरे बताओ, समझ में नहीं आया. सागर बताएगा अभी. हाँ चलो, वन गॉट इट. ये खेला क्वीन मर रहा है, हाँ, सो इसको मारेगा. हाँ, अभी डबल चेक, इससे भी चेक आया, इससे भी चेक आया, हाँ, और ये भी कंट्रोल्ड है, सो एक ही स्क्वायर है अभी किंग को जाने. ये बच्चा, हाँ, इधर डाला. और ये, वाव, ओह, दोस्तों एक बात तुम्हें बता दें कि जब डबल चेक होता है तो किंग को हिलना ही पड़ता है. देयर इज नो अदर वे टू स्टॉप अ डबल चेक एक्सेप्ट बाय मूविंग द किंग. कभी कभी घर से निकलते हैं, मैं डबल चेक करता हूँ, मेरे पास वॉलेट है कि नहीं है. और किसने ये आंसर दिया है? Knight f5 if b takes queen, then it's Dr. Smriti Mahajan is amazing as always, and Mandar Bakshi is also amazing as always, and I guess these two people are only amazing. That's it. And this was a very difficult one. ये जो last position है ना, ये knight और ये bishop और ऐसा mate करना, ये बहुत common theme है. So, इसको याद, मतलब आप लोग जो देखते हो ना कि प्लेयर्स लाइक विदित या निहाल और सब लोग, व्हाई दे आर सो गुड, क्योंकि उनके माइंड में ये सब पैटर्न ऑलरेडी बिठा है. मतलब अरे रट्टा मार के खेलते हैं, सब नकली हैं ये लोग यार. ये कोचिंग क्लास जाके सीखे ये सब. अभिष मैथ्यू ओनली रियल चेस प्लेयर. या रियल चेस प्लेयर प्ले विदाउट एनी पैटर्न, जस्ट डिस्ट्रक्ट. रियल चेस प्लेयर सैक्रिफाइस. It's nice to see, one move. Sagar, you've not even kept the puzzles like chronologically. You're random ek ek choose kar rahe ho, wo bhi cryptic hai. I'm trying to... Real people know pattern, Vaibhav. I'm trying to break the pattern. Pattern. Ki same na hai aapko. So now what you learned, you have to apply once again. Thank you, Whiskey. जो अब भी सीखा. आई आपको अदर सिंपल, क्वीन टू h6, पॉन कैप्चर्स एंड नाइट टू h6 चेकमेट. समय आप बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गए. यस, आई हैव लर्न दिस. वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई. अब तो हम फाड़ देंगे भाई किसी की भी. हां, ओहो, क्वीन दिखे तो सैक्रिफाइस कर दो भाई. दैट्स द सीक्रेट. इसका मतलब यही जो थीम आपने देखा वही सेम थीम. रिवीजन. हाँ, रिवीजन. ये मैन डूड, मैं जस्ट सोच के लिया था. फिर एक सेकंड, आई जस्ट वांट टू चेक इफ देयर इज एनी अदर मूव पॉसिबल. वंस यू पुट द क्वीन हियर, व्हाट इफ आई डोंट टेक, देन आई गेट चेकमेटेड. नो, ये इस पे इतना प्रेशर है कि समहाउ उसको बचाना इम्पॉसिबल. इस पे इतना प्रेशर है कि वो आईआईटीएन बन गया.
Nice. What if at this position? No, is there any way to save the king? No. Kyunki, see, you can block this bishop by f6. Lekin ye knight aur queen milke idhar mate kar. Mm-hmm. Other possible move is bishop f6. Lekin isko main maar dunga. Nothing changes. Yes. What if I take the knight? Then also you'll give me checkmate with your bishop only, no? Yahan khela to ye mate. Odisha defense is failing. Okay, guys, we have last 3 positions and then we'll have some incredible time with Sagar Shah alone. So, Sagar Shah, show us the best 3 positions that you have got for us. Okay. Okay, white to play and win? Yeah, white to play and win. And win, not mate, right? Kind of. h6. Anirban, amazing. h6. And fir maar diya to? Fir rook ko idhar g3. Too good. Aray, badhiya bhai, Anirban OP. सीख गए भाई कल से सब लोग अपना क्वीन सैक्रिफाइस करने वाला है हर मैच में अदर से लाइक क्वीन तो सैक्रिफाइस कर देगा जीत नहीं पा रहा यार क्या ये मारा तो बंदा तो क्वीन h7 चेकमेट इधर अरे करेक्ट रिस्क लेने का भाई लाइफ में मतलब क्वीन सैक्रिफाइस करना इजी नहीं रहता है बहुत सारा पीसेस को अच्छा स्क्वायर पे लेके आना पड़ता है क्वीन सैक्रिफाइस करने बट वो लेके आया तो कर सकता है नहीं तो गेम सैक्रिफाइस यही मेरा रिस्पांसिबिलिटी मैं पजल वगैरह में क्वीन सैक्रिफाइस करके जीत जाता हूं लेकिन रियल मैच में मैं पॉन भी नहीं चल पाता तो वो प्रॉब्लम ओह मैन मिश्रा का पजल रेटिंग इसके बाद 3 लास्ट रियल लाइफ रेटिंग 1100 ब्लैक टू प्ले एंड लूज और विन ब्लैक टू प्ले दिस इज अ वेरी फेमस गेम ब्लैक प्लेयर है रूबिनस्टाइन रूबेन कडुस्कर रूबिनस्टाइन अकीबा रूबिनस्टाइन करेक्ट तो ये पोजीशन में वो एक बहुत ही डेडली मूव है रूक टू 3 रूक टू व्हाट इज दैट स्क्वायर e3 और h3 रूक इधर ना h3 इधर yeah. बट आपका आइडिया क्या है नो आइडिया आई मीन ओके ओके आई हैव अ नाइट टू f2 चेक नाइट f2 इफ रुक टेक्स देन बिशप टेक्स तो इसको ब्लैक नो ब्लैक स्क्वायर बिशप टेक्स ओके बिशप टेक्स ठीक है तो क्वीन से मार दिया क्वीन से मार दिया फिर वाइट स्क्वायर बिशप टेक्स द वाइट स्क्वायर बिशप किंग को हटा दिया फिर रिजाइन किंग को कैसे हटाएगा वो उधर बिशप है ना नहीं मार दिया रुक था ना वहां पे अभी ओके ये पोजीशन में सबसे पहला चीज जो आपको करना चाहिए वो है मटेरियल काउंट करना चाहिए कि क्या है तो आप देखोगे तो आप क्वीन डाउन हो ब्लैक से लेकिन ऑलरेडी बीन सैक्रिफाइस यू हैव वन पीस फॉर द क्वीन ये f2 है क्या हाँ नाइट f2 को रुक f2 मारा नहीं f2 नहीं सॉरी ab ये c2 रुक c2 रुक c2 को मैं क्वीन से मारेगा फिर ये बिशप से ये बिशप लेगा फिर मैं क्वीन से मार दे ओ उधर सागर इज इट रुक व्हाट इज द थिंग डज अ रुक कम बिटवीन द नाइट द क्वीन कौन सा ये वाला Is it D? No. Between. Bishop or queen. Here. Here. Guys. मेरे को एक idea है. रुको. इसको execute कैसा करना मेरे को नहीं पता. देखो, if knight can capture something at f2 and at the same time the queen is at e4, then the knight can fork the king and the queen. So basically, if is rook d2. Rook d2. Sagar. D4. रुक d2 पहले जोएल ने जो बोला है रुक e3 उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि ये क्वीन मार सकता है इसको भी और इधर भी सोच सकता है ठीक है बट इसको क्वीन
से मारा और फिर बिशप मार दिया, सो व्हाइट बच जाएगा उसमें. आई थिंक रुक डी टू इफ वी डू राइट, डी फॉर डोंकी वाला डी टू रुक डी टू फायदा नहीं है क्यों, वो कैप्चर कर नहीं सकता बिकॉज चेक दे दे चेक मेट है ना सीधा. फिर ये मारा आपने, मैं क्वीन को डालेगा बीच में एंड देन ओके गाइस व्हाट अबाउट बिशप टेक्स, बिशप टेक्स ई4 ओके देन हाउ टू वैकेट दैट, हाउ टू टेक दैट रुक. ओके आपका आइडिया वर्क कर सकते हैं, बिशप टेक्स क्वीन टेक्स फिर बिशप को इधर रखेंगे, अगर वो मारेगा तो मार के फिर क्वीन को ले लेंगे. रुक को डी वन पे लेके जाएंगे, ये मारा ये मारा फिर रुक डी टू बराबर, फिर मैं ये चेक देगा इधर आपको. मैं बोल रहा हूँ कि अगर रुक d1 करेंगे, How about रुक d3? रुक e3 इसने बोला जोएल ने. d3 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 but no threat. Actually वैभव आपका मूव is very correct but you need to make it work. Rook d2. What is Vaibhav's move? Rook d2. Rook. Okay, let's go rook d2. Queen takes on d2. And then what? And knight. No, then to bishop captures. F3. No, bishop captures first. So that is... Now he'll bring the queen in between. Only move... This queen in between. Because ye bishop ye pura control kar raha hai. Yeah. Ye bhi control. So queen... Then hai. Move... Then take knight to F2 and checkmate. नहीं रुक मारेगा, नो नो नो, फाइंड द मूव. यस यस नाइट कैप्चर्स ऑन h2 बट उससे कुछ, सॉरी मुझला किंग आएगा फिर हम रुक आगे देखे वो कर देंगे किंग और क्वीन. व्हाट सॉरी इसके उसके पहले इफ यू मीट इफ यू मूव द नाइट नाइट टू f2 यहां पर. हां कब? हां नाउ. ओ आप So at right now we go queen to yes. Okay. Sorry with the rook. No. So after okay. The queen has blocked the bishop, our bishop. Now we go this rook. Can of a b c c three wala bishop goes to h3. Amazing. Goes to h3 and now there's no other move. Like kuch bhi wo kare next move mein checkmate ho hi raha. Or like we go for matlab checkmate nahi but like yeah. Oh yeah. That's actually insane. Ye mate stop karna impossible hai kyunki ye pin ho gaya hai. Pin ho gaya. Oh pin. Dosto unmute, dosto mute kar lo sab apne aap ko. Only Sagar Shah unmute. So yahan pe aisa lag raha hai ki there can be lot of things done but kuch bhi nahi hoga. If you take the bishop then checkmate because ye bishop ye control kar raha hai. अरे बेहतरीन, ये बहुत लेजेंडरी था यार. किसने किसने बताया क्या था आंसर, क्या था, व्हाट इज द करेक्ट मूव? रुक, व्हाट वाज द करेक्ट मूव? फर्स्ट मूव रुक d2, रुक d2, क्वीन x. ओके मंदार बख्शी शाउट आउट एंड आई गेस ओनली ही गॉट इट राइट. नो शैंक्स शाउट आउट, यू गॉट इट राइट एंड थैंक यू विस्की. दैट्स इट, टू पीपल गॉट इट राइट. ऑलराइट वी हैव वन लास्ट पजल दोस्तों, वन लास्ट पजल. Let's see what he has in store for us, what he has saved for the last. एक बहुत ही गंदा joke है मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा गंदा. बेहतरीन हो जाए. मतलब disgusting, not even this thing. हाँ चलो. मैं mute मार के बहुत सारा white pawn sacrifice किया. okay guys, thank you. editors, if you below if you're here, this part has to be edited out. Viva had to meditate after this joke. Vignesh Banuskar, amazing. Yes, it was amazing. Okay. ये position last वाला है. इसमें oops, sorry. दिखा दिया. Answer दिखा दिया भाई. ये joke का असर है guys.
अच्छा पोजीशन था कोई नहीं हमने देखा नहीं जेन्युइनली वी डिडंट अंडरस्टैंड हमने सच में नहीं देखा है ओके फिर से करना है हां या वी शुड लर्न कुछ तो एरो दिखा पर क्या दिखा वो नहीं समझा मेरे को ठीक है सो ये पोजीशन में व्हाइट खेलता है रुक को इधर मेरे को पॉन कैप्चर दैट g2 दिखा था शायद हां फिर तो आपको आ जाएगा ना ओके ओके द ब्लैक रूक गिव द चेक नहीं नहीं हो गया भाई जोएल आंसर दिख गया था वहां पे मेरे को बता बता कैसे मैंने तो सॉल्व कर दिया लेकिन पॉन कैप्चर्स g2 चेक इतना तो पता है उसके बाद क्या ही है उसके बाद नहीं देखा ना बाद वो उधर हिला तो नहीं ये ब्लैक अभी ब्लैक का मूव है आई थिंक रूक गोस टू द फर्स्ट रैंक and checks and then you capture and then promote to queen this was actually very fun bahut pyara tha ye wala cute bahut hi cute hai cute wala tha ye badhiya aaya maza aaya kisi ko mila gaya kisi ko nahi mila ye sirf hame mil gaya okay is the compensation because we this got spoiled do you have anything else actually I will leave the last one as the most difficult one chalega bilkul yes okay koi kuch bol nahi raha hai log sab mute pe na bhai so black to move can you flip it karta hu yes move and win your mate matlab yeah it is actually a very very famous position white is Polugaevsky is a famous gm or black is Nezmedinov jo aapko pata hai and isme kaisa hai ki ye queen mar raha hai aapka so ye queen agar hat jata hai kahin pe to fir ye bishop mar raha hai so overall black ka position bahut hi edge pe hai तो अब भी कुछ तो करना पड़ेगा तो इसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको मतलब पूरा कैलकुलेट करना तो मुश्किल है आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड क्वीन कैप्चर्स g3 चेक knight captures g3 bishop captures f4 check yahan tak sahi hai to bata de nahi to fir khatam ye bahut hi interesting hai but fir king yahan pe jayega and fir ek bhi check nahi hai and check you have given up your queen theek hai ignore that then okay is it queen to a g2 and then we are threatening ye wala square jo with the check kya ye jo knight se protected yeah right but aap agar idhar jaoge main aapka bishop ko maar dunga check karoge main king se bhag jaunga dosto super chat this is the most difficult puzzle if you can guess this then you're a legendary player of chess yeah ye jisko aayega I would really be impressed okay let's okay. impress sagar shah pehla move dhoondna bhi is not very easy okay is it regular queen sacrifice how but how you take the knight I see it. I don't know okay queen takes then just king takes fir like if you take queen I don't know man that was the theme of today sagar that's what you said you have the right idea but you have to execute it well guys get the hint and solve it please You're behaving like an MBA. Why do you think he is not an MBA? I mean, he's the MBA, but
No, no. Joel no. doesn't even have a 10th class degree. Anirban, are you on headphones? No, no. Oh, that was the entire point of the fuck up. Just kidding, bro. It was not you. Because fuck up pehle se ho raha tha. Acha. Guys, what about? This mere ko to samajh I can't even visualize anything in this. I have a feeling that somehow that sacrifice jo bola wo agar wo sahi line hai, what if that knight on A, B, on B is doing nothing? I think it first captures the bishop and then somehow that, because it's with check, so it has to be captured by the queen. Yeah. And then we capture with the, but if we capture with the queen right away. So, chat, this is the last puzzle. This is the last, the most difficult puzzle. If you can guess it, then you are amazing. Because so, I will tell you, give you a hint here. There is a sacrifice on this square. But now you have to decide whether to sacrifice your bishop or the rook. Rook. क्या है ये क्या तुक्के लगा रहे हो भाई रुक अगर वो नहीं बोलेगा तो बिशप बोलोगे रुक लगाओगे तो ये मारेगा नहीं रुक अगर आएगा तो फिर बाद में चेक होएगा ना उसके बाद और लेन अभी अभी दो ऑप्शन है रुक के अभी नाइट को डी थ्री पे लेके आएंगे तो नहीं ला सकता अब अगर उसने नाइट से मारा तो नाइट से मारा तो फिर चेक है ये मार देंगे अपन हाँ चेक और ये किंग है ना उसका सारा स्क्वायर आप देखोगे तो उप्स ये नहीं थोड़ा लंबा हो गया ये सब कुछ कवर्ड अरे बाप रे नाइस तो क्वीन मर जाएगा मतलब आपको क्वीन देना पड़ेगा आपका हाँ तो वो नाइट से नहीं मारेगा मतलब तो नाइट से नहीं मार सकता है पॉन से मारा अगर तो बिशप टेक्स मारेंगे अपुन फिर नाइट से मारा तो फिर से वही सेम प्रॉब्लम आप क्वीन मर जाएगा हाँ सो इसके लिए ओनली मूव है यहाँ पे क्वीन को मारना ओके वो क्वीन मारेगा इधर ठीक है क्वीन मार दिया पर अभी रुक F1 चेक हाँ लेकिन अगर आप क्वीन यहाँ जाके क्वीन को वापस लेंगे सिर्फ तो आपका क्वीन ऑलरेडी मर चुका है तो नथिंग कॉम्पेंसेशन ठीक है अब रुक डाउन हो जाओगे सो यू नीड टू नाउ गेट द किंग कुछ भी करके इसको मारना है ओह नाउ वी कैप्चर विद द नाइट एंड द क्वीन हैज टू कैप्चर ये वाला ठीक है Now, right? And then we move the rook to a third rank. F3. There aa gaya. Oh. Sorry, and then rook to D3. Haan, lekin fir queen maar dega. Haan, fir koi point nahi. Fir koi point nahi. Ek rook aur ek piece down. Baap re baap. Just khelna hi nahi chahiye mere ko lagta hai. To ye rook wala galat answer hai kya? नहीं अब भी आपको अच्छा मूड ढूंढना है यहाँ तक सही है हम इसके okay. आगे हमें नहीं समझ आ रहा है okay. एक सेकंड वहाँ नहीं आ सकता वहाँ नहीं आ सकता ये A1 वाला A8 वाला रुक के साथ कुछ करना है क्या ये F पे लाना है नहीं तो मार देगा इसको अभी डिस्कवर्ड चेक देना है आपको और हमेशा If you go to the first rank, then अगर आप If you give only discovered check, तो वो मार देगा बिशप को. So what is the way to give a move where he is forced to move his king? F6. What about C4? Knight to C4. Knight C4 खेला तो ये मारेगा. F3. Rook to F3. Either rook to F3. Yeah. Very good. Rook F3. And अभी king इधर गया. Then can you check it with the pawn? And passant ho jayega fir. Haan, exactly. Haan, to bhi phir bhi theek hai na. Ek baar dekh to. Now knight takes the on passant pawn. Kaun sa pawn? Yeah. Kaun sa knight se maar? B4 wala. Ye mara to main king se idhar aayega. Mute.
resigned. भाई बहुत डिफिकल्ट है भाई. So, ये बहुत टफ है. मतलब मैं आपको आंसर बताता हूँ. हाँ. कि ये पॉन पुश करना सही आइडिया है, लेकिन वो खेलता है ये मूव एंड चेक नहीं है, बट इट इज जस्ट थ्रेट कर रहा है वो उसको मेट करने का ये पोजीशन में. इधर से डिस्कवर्ड देके चेक. सो वो a4 खेलता है जस्ट एक मूव. तो अभी ये मारा तो पॉन से मार के अभी ये मेट कर रहा है वो c5. मतलब आप देखो कैसे रुक पूरा इसको कंट्रोल कर रहा है. ये दो नाइट ऐसा पूरा उसका किंग को ऐसे लेके बैठे है और ये बिशप ऐसा स्नाइपर के जैसे उस पर अटैक कर रहा है दूर से. सो ये किंग व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा क्वीन है पर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि किंग पूरा ऐसा ट्रैप हो गया. बाप रे बाप, ये सोचा है असली इंसान ने ये इसके लिए. तो नज़मुद्दीन जो ब्लैक है ही इज कंसीडर्ड लाइक अ लेजेंड इन चेस. भाई साहब नज़मुद्दीन को शाउट आउट, इफ यू कैन टाइप हिज नेम देन यू आल्सो हैव अ शाउट आउट. बाप रे बाप. भाई इतना सब कुछ करने के बाद ना वो किंग मरेगा कोरोना वायरस से. क्या दुख होएगा नहीं. Nice, oh, nice. भाई क्या था इसका आंसर, किसी को नहीं मिला रहेगा इसका आंसर दोस्तों. एक्चुअली मिला था the right move is rook into f4 first. ये सिर्फ एक ही बंदे को आंसर मिला और उसका नाम है नज़मुद्दीनाव. नज़मुद्दीनाव को शाउट आउट. बाकी सुपर चैट नज़मुद्दीनाव सिद्दीकी चैट में किसी को मिला क्या इसका आंसर? तेरे को पता है नज़मुद्दीनाव रशियन गैंग से वासुपुर में था. किसी को नहीं मिला इसका आंसर. और रशियन सेक्रेट गेम. मुझे लगा आप बोलोगे कि दिल्ली में उसके नाम पे स्टेशन. ओह नाइस नाइस वन भाई, मजा आ गया भाई, पूरा ब्रेन फ्रेश हो गया. और अब हम करेंगे क्वीन सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस के बाद भाई. अच्छा ये सब लोग अगर जा रहे हैं तो एक कोई तो आप में से मेरे को, मैंने आपको आज इतना सब टैक्टिक्स दिखाया. So if you have to tell me what is one thing very important for stand up comedy, मतलब जो कर सकते हैं तो क्या क्या है आप से, what quality one should have to be a good stand up comedian? Chess खेलना चाहिए. अच्छा chess. I think बचपन में जाओ और पेरेंट्स को बोलो कि मुझे प्यार मत करो. आई थिंक चाइल्डहुड सैक्रिफाइस एट अ न्यू क्लब वेयर यू शुड बी बुलीड. या नो आई थिंक एक्चुअली द सीरियस आंसर इज जस्ट एक बार स्टेज पे चढ़ जाओ, बाकी सब खुद से हो जाता है. इफ यू जस्ट ओवरकम दैट फियर ना कि मैं कैसे जोक करूँ ये करूँगा करूँगा. ऑल यू हैव टू नो इज इवन द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडियन 90% ऑफ टाइम उनका कोई जोक नहीं चलता है, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल फ्यू ईयर. सो इफ यू गेट अप ऑन स्टेज एंड यू आर अनफनी, दैट्स लाइक यू आर 99% ऑफ कॉमेडियन एवरी डे. सो कुछ डरने का नहीं है. इफ यू जस्ट गेट अप ऑन स्टेज एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इट. ओके, डरने का नहीं, फिर नाइट सैक्रिफाइस करेगा. Alright, thank you guys. Thank you comedians. See, Joel is still trying. He's a professional comedian. I'm 99% comedian. I'm not professional. Sagar, this was like extremely nice of you to do this for us. Thank you so much. This is extremely fun. Thank you so much, Sagar. Yeah, I would just like to say that I have tried solving puzzles before, but I get bored and angry very fast if kuch bhi solve nahi hota and I give up. But this is the first time I actually learned. So thank you so much for doing this. I hope you do this more often with us. Yeah, sure. I think if you keep doing this regularly, then your rating will be 900 to 1000. 1000 is your potential. All right, brother. See you. See you guys. Only bye-bye. Sagar Shah. Okay, Sagar Shah, bye. Stay back. Comedians can say bye-bye to Sagar Shah. Thanks, Sagar. Bye. Bye, Sagar. Thank you. Bye, Joel. Bye, Joel. Bye, Biswa. Thank you. Bye, Nirban. अरे सागर शाह जी, कैसे हैं आप? बढ़िया समय. कैसा मजा आया कि नहीं सागर शाह जी?
मुझे तो मजा आया, लेकिन मुझे लगता है सब लोग थक गए रहेंगे आज। नहीं नहीं, पूरा 4000 लोग हमारे साथ थे एंड तक, अभी जाके 3600 हुए हैं। सो पीपल वर एंजॉयिंग इट, पीपल वर कमेंटिंग एंड प्लेइंग अलोंग। बहुत मजा आया भाई सागर शाह, आपने हमारे साथ ये किया। और यू आर एन आई एम राइट, यू आर नॉट अ जी एम, यू हैव टू जी एम नॉर्म्स। आई रियली विश दैट यू बिकम अ ग्रैंड मास्टर वेरी सून। एंड मिलते हैं भाई, हम आएंगे कोई ना कोई चेस टूर्नामेंट पे, पक्का मिलेंगे। आई एम वेरी मोटिवेटेड टू परफॉर्म इन एक्चुअल टूर्नामेंट्स नाउ। सच में? हाँ हाँ, जेन्युइनली, मतलब मेरे को रेटिंग चाहिए बस, एक सर्टिफिकेट। और आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट चेस सर्कल जहाँ पे मैं, हम लोग सब प्लान कर रहे हैं। उपमन्यु भी प्लान कर रहा था कि हम लोग एक बार एक टूर्नामेंट तो खेलेंगे ही। बट आप मुंबई में हो ना, यू लिव, सो मुंबई में जब भी टूर्नामेंट होगा तो आई विल लेट यू नो। बिल्कुल, हम बिकॉज जिस तरह से यू गाइस आर प्लेइंग, आप लोगों का एक दो पॉइंट तो हो जाएगा, सो रेटिंग तो मिल ही जाएगा। हां, सो दैट वुड बी अमेजिंग, दैट वुड बी अमेजिंग। थैंक यू सो मच यार सागर भाई, बहुत मजा आया। यू आर सच अ फन गाय, यू आर नॉट सादा डोसा, यू आर मिसल पाव। थैंक यू सागर भाई एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट। बहुत मजा आया, गुड नाइट, शब खैर दोस्तों। इसी के साथ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर चेस, प्लीज कंटिन्यू डूइंग। अरे भाई आए, जब तक लॉकडाउन है, जिस दिन मोदी ने बोल दिया लॉकडाउन खत्म, उस दिन हम फिर अलग चीजें करेंगे, लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक ये है भाई, तब तक रोज स्ट्रीम करेंगे हम चेस, रोज खेलेंगे, चाहे लोगों को पसंद आए ना आए, मजा आया ना चाहिए बस। दोस्तों एक बार बस सागर शाह जी को जहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे आपको, आप पहले तो चेस बेस इंडिया को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें सागर शाह को, आप डीएम करें, मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, उनका हैंडल भी सागर शाह चेस ही है शायद, है ना? सागर शाह, सागर शाह। सो थैंक यू, और इसी के साथ बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे होम, सी यू, थैंक यू।